हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेज। आज आपका मैंने 12th मैथमेटिक्स के लिए VVI लॉन्ग क्वेश्चन सेट किया है, और ये हमारा जो सेशन है, इस सेशन में काफ़ी VVI क्वेश्चन का सिलेक्शन है। तो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन से है, और ये क्वेश्चन ना बच्चों कम से कम मैक्सिमम 4 से 5 बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है। देखिए क्या है, कहता है कि लॉग साइन एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष निकाले, जहां लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/2, इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष, जहां लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है π/2, का जो वैल्यू होगा -π/2 और log 2 होगा। ये काफ़ी टॉप मोस्ट VVI क्वेश्चन में से एक है। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, हम देखते हैं हमारे इस सेशन का। तो दूसरा प्रश्न जो है, कहता रेखा x/1 बराबर y-1/2 बराबर z-2/3 में बिंदु 1, 6, 3 का प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी कि कहता है कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 6, 3 इन द लाइन x/1 इज इक्वल टू y-1/2 इज इक्वल टू z-2/3। ये हमारा क्वेश्चन जो है ना 3D लाइन से लिया गया है, और ये क्वेश्चन यानी इस सेशन का जो क्वेश्चन है उसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो, यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई स्टेट बोर्ड के बच्चे हो चाहे CBSE के बच्चे हो, दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये हमारा दूसरा प्रश्न था बच्चों। चलते हैं तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न जो है हमारा एरिया इनक्लोज बाई कर्व से लिया गया है। कहता है कि दो वृत्त x²+y²1 और x-1² + y²+1 के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। ये एरिया इनक्लोज बाई कर्व का है ना, दो वक्रों के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बिटवीन द टू सर्किल x²+y²1 एंड x-1² + y² = 1। ये बच्चों ये भी क्वेश्चन ना टॉप 20 क्वेश्चन में आप शामिल कर सकते हैं, या टॉप 5 लॉन्ग VVI क्वेश्चन में से शामिल कर सकते हो आप। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा चौथा नंबर प्रश्न क्या है। जो चौथा नंबर प्रश्न बच्चों, ये हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन से लिया गया है। कहता है sin 2x / sin 4x + cos 4x का समाकलन x के सापेक्ष निकालिए, जहाँ लोअर लिमिट 0 है अपर लिमिट π/2 है। ये भी क्वेश्चन ना काफ़ी मोस्ट टॉप मोस्ट बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हो सकता साबित हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा पांचवा नंबर प्रश्न, ये पांचवा प्रश्न और ही VVI क्वेश्चन है। कहता है इवेल्युएट 0 से π/2 sin²x/1 + sin x cos x dx। ये भी ना बच्चों काफ़ी VVI क्वेश्चन में से एक है। चलिए देखते हैं कि पांचवा नंबर प्रश्न क्या है। तो पांचवा नंबर प्रश्न ना बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का जो रिएक्शन होता है उसमें आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक है, प्रथम कोटि के प्रथम घात वाले रेखीय अवकलन समीकरण पर यह आधारित प्रश्न है, और ये बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में से आपका टॉप मोस्ट VVI क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ना टॉप 5 के कैटेगरी में रखा जा सकता है कि ये अवकलन समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसमें से हमारा यानी इस अवकलन समीकरण यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। चलिए छठा नंबर प्रश्न जो है बच्चों, ये हमारा प्लेन से लिया गया है। कहता है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 3, 4 इन द प्लेन x-y + z = 5। यानी बिंदु 1, 3, 4 का तल x-y + z = 5 में प्रतिबिंब ज्ञात करें। प्रतिबिंब को क्या करना है ज्ञात, यानी कोई प्लेन है, प्लेन में किसी पॉइंट का इमेज आपको बताने है कि इस पॉइंट का इमेज हमारा कहाँ फॉर्मेशन होगा। चलिए सातवां नंबर प्रश्न तो बच्चों काफ़ी लाजवाब प्रश्न है, और टॉप मोस्ट VVI क्वेश्चन में से एक साबित हो सकता है। ये हमारा सातवां नंबर प्रश्न है, ज़रा देखते हैं। ये हमारा भी 3D लाइन से लिया गया क्वेश्चन है। कहता रेखा x-a/1 = y/1 = z + a/1 और
एक्स प्लस ए बटा वन इज इक्वल टू वाई बटा वन इज इक्वल टू जेड प्लस ए बाई टू को प्रतिच्छेद करने वाली और रेखा एक्स माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू वाई माइनस बी बाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस टू ए बाई थ्री के समानांतर सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि इसको सीधी से यदि इसका डायग्राम किया जाए, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग द लाइंस एक्स माइनस ए बटा वन बराबर वाई बटा वन बराबर जेड प्लस ए बाई वन एंड एक्स प्लस ए बाई वन इज इक्वल टू वाई बटा वन इज इक्वल टू जेड प्लस ए बाई टू एंड पैरेलल टू द लाइंस एक्स माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू वाई माइनस बी बाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस टू ए बाई थ्री। यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि हमारा ये कोई हमारा इसको यदि एल वन लाइन कह दिया जाए और ये एल टू लाइन कह दिया जाए तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक रेखा गुजरती है जो किसी चौथे तीसरे रेखा के समानांतर है, तो हमारा एल रेखा का समीकरण क्या होगा ये हमें ज्ञात करनी है। तो ये हमारा सातवां नंबर प्रश्न था बच्चों। जो भी क्वेश्चन है इस सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, इसे मिस ना करें। ठीक है, और झट से अब पेन से अपने कॉपी पर नोट कर लें। चलिए आठवां नंबर प्रश्न, तो बच्चों ये ना क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। कहता है प्रूफ डैट द कर्व्स एक्स बराबर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के कट एंड राइट एंगल्स इफ एट के स्क्वायर वन। साबित करें कि वक्र एक्स बराबर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती है यदि एट के स्क्वायर बराबर वन हो। ये क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है बच्चों, लेकिन ये कहना काफ़ी टॉप मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन में से एक है, ये हमारा आठवां नंबर प्रश्न। चलिए देखते हैं आपके नवा नंबर प्रश्न क्या है हमारे। तो नवा नंबर प्रश्न जो है ये भी ना काफ़ी धमाकेदार प्रश्न है। देखते हैं क्या है हमारा, देखिए नवा नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है एक बैग कंटेंस फोर रेड एंड फोर ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेंस टू रेड एंड सिक्स ब्लैक बॉल्स, वन ऑफ द टू बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। चलिए इसका अब जरा हिंदी समझते हैं कि क्या कहता है। कहता है एक बैग में चार लाल तथा चार काली गेंदे हैं और दूसरे बैग में दो लाल और छह काली गेंदे हैं। दोनों बैगों में से एक बैग को यादृच्छिक चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल पाया जाता है, तो गेंद प्रथम बैग से चुनने की प्रायिकता ज्ञात करें। ये हमारा बेयर्स थ्योरम पर आधारित प्रश्न है बच्चों, है ना, और ये काफ़ी ना टॉप मोस्ट ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, यानी कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये भी आपका टॉप मोस्ट इन टॉप फाइव लॉन्ग वीवीआई क्वेश्चन में से शामिल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा ये दसवां नंबर प्रश्न क्या है। कहता है कि प्रूव डैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन डैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि कोई स्फेयर है, ठीक है, कोई स्फेयर में एक हमारा कोन है, ठीक, कोन यानी कि शंकु है, ठीक है, इसी से रिलेटेड हमारा प्रश्न है, तो आप इसे समझ सकते हो। और ये भी ना काफ़ी टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में से एक है बच्चों, लेकिन 11वां नंबर प्रश्न तो काफ़ी लाजवाब खतरनाक प्रश्न है। क्या है सो देखते हैं। कहता है कि ये रेक्टेंगुलर सीट ऑफ टीन 45 cm by 24 cm इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ऑफ अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ अ स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। यानी कहने का मतलब मेरा क्या है कि जरा इसका हिंदी अब समझते हैं। कहता है कि एक आयताकार चादर टीन की है जिसकी लंबाई 45 cm चौड़ाई 24 cm, जिसके प्रत्येक शीर्ष कोण पर एक वर्ग काटा जाए और उससे एक बिना ढक्कन वाला संदूक तैयार किया जाए, तो काटे गए वर्ग की भुजा क्या होगी ताकि संदूक का आयतन है अधिकतम हो सके। ठीक है, तो ये हमारा आपका 11वां नंबर प्रश्न था। तो अब हम देखते हैं कि 12वां नंबर प्रश्न क्या, ये भी हमारा ना आपका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन अनिश्चित समाकलन से लिया गया है। कहता है 5x-2/3x²
प्लस टू एक्स प्लस वन का समाकलन एक्स का सापेक्ष ज्ञात करें, ये भी बच्चों ना टॉप मोस्ट VVI क्वेश्चन में से शामिल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा 13वां नंबर प्रश्न क्या है। 13वां नंबर प्रश्न भी बच्चों इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन से लिया गया है, लेकिन ये खंड सूत्र पर आधारित है। ठीक है, यहाँ कहता है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का समाकलन एक्स का सापेक्ष निकालनी है। ठीक है, ये ना हमें बच्चों काफ़ी टॉप मोस्ट VVI क्वेश्चन में से एक है, ये हमारा 13वां नंबर प्रश्न है। और इस सेशन में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी शानदार ज़बरदस्त प्रश्न है। चलिए देखते हैं कि 14वां नंबर प्रश्न क्या है। तो 14वां नंबर प्रश्न में बच्चों ना ये हमारा निश्चित अनिश्चित समाकलन इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन से है। 1 + 3x - x² का रूट का समाकलन एक्स के सापेक्ष निकालनी है। ठीक है, ये भी ना टॉप 5 लॉन्ग VVI क्वेश्चन में से शामिल कर सकते हैं। चलिए 15वां नंबर प्रश्न तो काफ़ी लाजवाब प्रश्न है बच्चों। कहता है -1 से 1e^x का समाकलन एक्स के सापेक्ष क्या होगा, लेकिन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है जिसमें लिमिट का यूज होता है ना, लिमिट पर आधारित ये क्वेश्चंस है। ठीक है, इसमें लिमिट लगा के क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। ये हमारा ना टॉप 5 VVI लॉन्ग क्वेश्चन में से एक है कि यह प्रश्न जो है जिसे हम इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, यानी इंटीग्रेशन एज सम ऑफ लिमिट के कह सकते हैं। ठीक है, योगफल सीमा के रूप में समाकलन निकालना है। ठीक है, यानी इस प्रश्न का हल जो है योगफल सीमा के रूप में समाकलन निकालनी है। ठीक है, के रूप में क्या करना है, समाकलन निकालनी है। तो आज का सेशन जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि इस सेशन में ना काफ़ी धमाकेदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है। तो इसे देखना और देखकर नोट कर सॉल्व करना ना भूलेंगे, चूँकि ये मेरा जो है ना काफ़ी एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर किया हूँ इस सेशन में। तो चलिए मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।